तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो फैनकोड एमिरेट्स डी10 लीग है उसका भाई 13वां मैच जो कि खेला जाएगा एमिरेट्स ब्लू वर्सेज फुजरा के बीच में। तो भाई इन दोनों टीम्स के बारे में हम बात करेंगे, एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे। बात कब करेंगे? जब भाई मैं आपको ड्रीम इलेवन की टीम बना के दूंगा ना, तभी भाई इन प्लेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि कौन सा प्लेयर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर भाई एक एक प्लेयर के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर आपको कहां पर बैटिंग करता दिखेगा और क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपके लिए देखना काफी ज्यादा जरूरी रहेगा, लेकिन उससे पहले भाई बता दूं वीडियो को लाइक करके देखना स्टार्ट करना ताकि यार मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई जो टेलीग्राम चैनल है ना वो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि किसी भी मैच की फाइनल टीम भाई टेलीग्राम चैनल पर ही आती है। अगर आप पहले से यहां पर यूट्यूब पर किसी की भी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखो पहले मैं टीम आपको इसीलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी हमारे पास एग्जैक्ट प्लेइंग 11 किसी दोनों टीम में से किसी भी टीम की नहीं होने वाली है, वो भाई मैच से कुछ टाइम पहले आती है और भाई एग्जैक्ट प्लेइंग 11 आने के बाद ही मैं आपको बता पाता हूं। जैसे कि भाई अभी लास्ट जो टी10 मैच स्टार्ट हुआ है अजमान का, यहाँ पर आप देख सकते हो अजमान और यहाँ पर शारजा के बीच में जो मैच खेला जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों टीम्स की मतलब जो जो चेंजमेंट हुए थे दोनों मैंने आपको बता दिए। यहाँ से ऊपर बात करें शारजा की टीम की तो दो चेंज हुए थे वो भी आपको बताए विद स्टैट्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई स्टैट्स, स्टैट्स के बिना ना तो मैं कुछ आपको विन करवा सकता ना ही आप खुद कुछ विन कर सकते बिना स्टैट्स के। अगर भाई आपके पास स्टैट्स अवेलेबल है तो आप वीडियो बेशक मत देखो, अभी के अभी आप स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई स्टैट्स अगर नहीं है ना तो वीडियो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही टेलीग्राम चैनल आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्लेयर मैं यहाँ पर बात करूंगा अगर उनके अलावा कोई नया प्लेयर आता है तो उनके स्टैट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। जैसे कि यहां पर चार चेंज हुए थे भाई अजमान की टीम में, चारों के चारों प्लेयर्स के स्टैट्स आपके लिए तुरंत मैंने अवेलेबल करवा दिए, यहां से आप देख सकते हो, ठीक है। एक-एक प्लेयर के स्टैट्स मैं आपके लिए लेके आता हूं। रीजन क्या है? क्योंकि आपको विनिंग करवाना मेरा मोटिव रहता है इसीलिए लेके आता हूं। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अब बात करेंगे भाई यहां पर पहले कुछ मतलब जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है बेसिक इंफॉर्मेशन वो आप जान लो, उसके बाद भाई आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से भाई बात करेंगे डेट एंड टाइमिंग की, तो 11 बजे मैच खेला जाएगा यानी कि अब से लगभग 2 घंटे बाद ये मैच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करें तो भाई शारजा का ग्राउंड रहने वाला है आबू धाबी में, मतलब दुबई में जो शारजा का ग्राउंड है वो भाई यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर भाई आपके लिए ये ग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर स्मॉल बाउंड्रीज है तो बैट्समैन्स को हेल्प मिलेगी, लेकिन भाई पिच काफ़ी ज़्यादा स्लो है तो इसीलिए यहाँ पर बॉलर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पर मीडियम पेसर्स को थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर कंपेयर करें स्पिनर्स से। रीज़न क्या है भाई? जो अभी IPL हुआ था उसमें हमने देखा मीडियम पेसर्स को हेल्प मिली, दूसरी बात जो वर्ल्ड कप के कुछ मैच खेले गए उसमें हमने देखे कि मीडियम पेसर्स को हेल्प मिली। थे तो भाई वो T20 मैच, लेकिन भाई मीडियम पेसर होता है वो भाई T20 में भी और वनडे में भी और भाई यहाँ पर T10 में भी, सभी जगह मीडियम पेसर ही रहेगा। तो इंपॉर्टेंट स्टेट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, पिच के बारे में वो सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर बता दी है। वही अगर बात करें वेन्यू के रिकॉर्ड्स की तो 11 मैचेज अभी तक यहाँ पर खेले गए जिसमें से 4 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किए और 7 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने किए, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि भाई सेकंड इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांसेस आ ही रहने वाले, ठीक है। अगर बात करें यहां पर भाई वेदर की तो जो वेदर है वो पार्शियली क्लाउडी रहेगा, यहां पर बारिश के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। तो मैच इजीली कंप्लीट होता दिख जाएगा। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 80 से 100 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। तो यहां से भाई ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बढ़ते भाई यहां पर टीम की तरफ, टीम बनाते बनाते मैं आपको बताऊंगा सारे प्लेयर्स के स्टैट्स। और यहां पर भाई टेलीग्राम चैनल की फिर से याद दिला दूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए भाई ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करते हो तो भाई फिर कोई फायदा नहीं आपका इस वीडियो को देखने का। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होने वाला है, ठीक है। अब यहां से बात करें एस ताहिर की तो भाई लास्ट मैच में 50 मार के आ रहा है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है और भाई अपनी टीम के लिए ओपनिंग करता है तो आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, तो इसे मैंने अपनी टीम में एड कर लिया है। इसके अलावा भाई यहां से बात करें मोहम्मद बूटा की तो यह भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लगातार हर मैच में परफॉर्मेंस दे रहा है, कभी ओपनिंग कर रहा है तो कभी वन डाउन खेल रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है, इसको भी मैं अपनी टीम में रखना चाहूंगा। बात करें अगर यहां पर बैटिंग सेक्शन की तो यहां से भाई आप देखोगे उस्मान खान लगातार हर बार ड्रीम टीम में आ रहा है, तो ये भी प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग करता है या फिर कभी कभी 2 डाउन आता है या 1 डाउन आता है, ठीक है, मतलब टॉप 4 में इसकी जगह रहती है, ठीक है, और साथ साथ कभी कभी बॉलिंग भी करवा लेता है। एफ नवाज की बात करें यहां से अगर
तो ये भाई टीम का कैप्टन है, लेकिन भाई अभी तक ऐसी कुछ खास परफॉर्मेंस आई नहीं है। और देखो आप धीरे धीरे देखोगे इसका सिलेक्शन परसेंटेज कितना डाउन जाता जा रहा है, तो आप इसको ड्रॉप करके चल सकते हो। सीपी रिजवान भाई लास्ट मैच में आप इसका मतलब इसे है ना किसी ने कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बना, सिर्फ 4% लोगों ने इसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना रखा था। और भाई ये हमारा कैप्टन था, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाल के ले गया, एक तरफा हमें क्लीन स्वीप करवा गया, ठीक है। ओपनिंग करेगा, साथ ही साथ 2 ओवर कंप्लीट गेंदबाजी की थी लास्ट मैच में, इस मैच में करे ना करे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि टीटे ने भाई बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कुछ भी कहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए भाई मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ऐसे अगर बात करें आसिफ खान की, तो आसिफ खान इंपॉर्टेंट प्लेयर है, देखो 2 मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आई हुई है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ से भाई आसिफ खान को भी आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आसिफ खान को अगर आप ना ट्राई करना चाहो तो यहाँ से भाई आप अली खान को ट्राई कर लेना, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है, एवरेज प्लेयर है, आप अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भाई यहाँ से अगर बात करें ए शराफू की, तो 2 ही मैच खेले, दोनों मैच में परफॉर्मेंस आप यहाँ से देख सकते हो, बिल्कुल गजब की परफॉर्मेंस बंदा दे रहा है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी भाई मैं अभी यहाँ से आसिफ खान के साथ जाना चाहूंगा, ठीक है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो भाई आर्यन लाकरा या लकारा जो भी बोलो आप भाई अभी इसे, तो आर्यन लाकरा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ठीक है। इसे आप वॉइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, ठीक है। और भाई अगर बात करें यहाँ से यार वसीम मोहम्मद की, तो जो लास्ट मैच अभी इसने खेला है इसमें हमारा कैप्टन था, और भाई कैप्टन था तो हमें बिल्कुल इजीली क्लीन स्वीप करवा गया, कुछ मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी डाले इसी मैच के, तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखेगा भाई जो डिफरेंस है ना, वो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना खतरनाक डिफरेंस यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट से भी ज़्यादा, मतलब 250 पॉइंट प्लस से हमने यहाँ पर विनिंग की है। तो इसीलिए भाई मैं बोलता हूँ जो टेलीग्राम चैनल पर फाइनल टीम मिलती है ना, वो लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा कैप्टन था और इस मैच में भी मैं इसे कैप्टन लेके जाने वाला हूं, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो नीचे की साइड अगर आप आओगे तो आप गोपाल कृष्णन को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, काफी अच्छे विकेट निकाल सकता है और इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। राहुल भाटिया को मैं अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। जैद फरीद की बात करूं तो भाई नंबर 4 पर बैटिंग करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहां से जैद फरीद की, तो नंबर 4 पर बैटिंग के अलावा 1 ओवर तो कम से कम डालेगा ही डालेगा, और अच्छा गया तो भाई 2 ओवर भी डाल सकता है, ठीक है। तो आप इसे ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन, स्मॉल लीग में आप अगर चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो ड्रॉप करके जा सकते हो। राहुल बाटियान भाई 1 मैच में 4 विकेट निकाले थे, उसके अलावा भाई कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पर आई नहीं है, तो अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, चाहो तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर रहेगा पूरी तरह से। मैं अभी जड फरीद के साथ जा रहा हूँ, आप अगर चाहो तो राहुल बाटिया के साथ जा सकते हो, ठीक है। अगर वही बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो ऐसे भाई आर अकीफुल्ला खान मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लास्ट मैच में भाई 4 विकेट निकाल के लेके गया था, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है। दानिश कुरैशी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लास्ट मैच में विकेट निकाल के लेके गया, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। आप देखो यहाँ से भाई आप जेड फारिद को ड्रॉप करोगे तो मेरे हिसाब से एक एक्स्ट्रा बॉलर आप ले पाओगे, जो आपको लेना भी चाहिए। यहाँ पर एम आमीन अगर खेलता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। साथ ही एस मनसद की बात करें, तो अभी जो मैच कंप्लीट हुआ है उसमें 2 विकेट निकाल के लेके गए, यहाँ पर एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक होने वाला, आप इसको ईजिली अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर क्रेडिट है, तो अब आप यहाँ से दानिश कुरैशी को भी ट्राई कर सकते हो, और आपके लिए सारे मतलब रास्ते यहाँ से खुले रह गए। तो ये भाई कुछ मैंने 4 बॉलर पिक किए। अब देखो फाइनल टीम का एक बार मैं प्रीव्यू दिखा देता हूं, तो कुछ इस प्रकार की हमारी टीम होने वाली है। लेकिन भाई अब बात करेंगे सबसे मेन चीज की, कैप्टन वॉइस कैप्टन किसे बनाना है। तो कैप्टन तो भाई यहाँ पर वासीम मोहम्मद होने वाला है इजीली। वॉइस कैप्टन की बात करें तो देखो अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना है तो आर्यन लाकरा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन भाई एक बात बता दूं, ये सिर्फ आपको बॉलिंग से पॉइंट देने वाला है, बैटिंग से आपको बिल्कुल पॉइंट नहीं देगा, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी करवाता है, ठीक ठाक बॉलर है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। एम आमीन भी ठीक ठाक ऑप्शन है, लेकिन भाई जिसके साथ मैं जाना चाहूंगा वो होने वाला भाई सी रिजवान। रीजन क्लियर, बिल्कुल क्लियर रीजन आपको देता हूँ। देखो एक तो टीम का कैप्टन है, अपने ऊपर है भाई बॉलिंग कराएगा नहीं कराएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है भाई, यहाँ पर ओपनिंग तो एक करेगा ही करेगा, साथ ही 2 ओवर अगर गेंदबाजी करता है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑलरेडी आपके लिए बन जाएगा, तो इसीलिए भाई मैं इसको वॉइस कैप्टन ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा वॉइस कैप्टन ये रहने वाला है। बाकी जो फाइनल टीम आएगी उसमें भाई बैटिंग ऑर्डर वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे, जो चेंजेस होते हैं उन प्लेयर्स के स्टेट्स देखेंगे, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इनको आप ट्राई करके अपनी बेस्ट टीम बना सकते हो। अभी के लिए भाई मेरी ये फाइनल टीम है, आप यहाँ से है ना टीम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर यहीं पे वीडियो को पॉज करके आप टीम ज्वाइन कर लो। लेकिन भाई वीडियो पॉज करते ही टीम ज्वाइन करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। रीजन क्या है, क्योंकि भाई जो फाइनल टीम है वो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट होकर आपको मिल जाएगी। मैं गारंटी नहीं ले सकता कि यही हमारी फाइनल टीम होगी, क्योंकि अगर मान लो कोई ऐसा प्लेयर इस टीम में हो जो खेल ही ना रहा हो अगले मैच में, तो भाई फिर उस टीम का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल फाइनल अपडेट आएगी वो टेलीग्राम चैनल पर आएगी। टेलीग्राम चैनल आपके लिए ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
अगर बाई चांस लिंक वर्क ना भी करे तो आप सीधा टेलीग्राम पर जाकर एट द रेट लगाकर भाई केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट सर्च कर सकते हो, ठीक है। सीधा आपको एट द रेट लगाना है और मतलब कैपिटल लेटर्स में सारे बड़े अक्षरों में आपको बिना स्पेस के केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो ये काम आप कर लेना, बाकी ये हमारी टीम है, आप इस मतलब इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी अच्छा जैकपॉट मैच होने वाला है और मेरे हिसाब से भाई बेस्ट मैच होगा आज के दिन का T10 का ये, तो आप इसमें टीम ज्वाइन कर सकते हो। तो बस दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे टेलीग्राम चैनल पर मैच टाइम पर। टिल देन टेक केयर, बाय।